रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा क्षेत्रीय कार्यशाला का वार्षिक चुनाव मंगलवार को रेलवे बस स्टेशन स्थित शाखा कार्यालय पर चुनाव अधिकारी अरविंद कुमार एवं समसूल की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर कैलाश प्रसाद, उपाध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव, अंजलि यादव, शाखा मंत्री अजय कुमार, कोषाध्यक्ष पद पर शशिकांत, संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री सहित अन्य सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। नव निर्वाचित पदाधिकारियों का कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया। नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन और कर्मचारियों के हित में कार्य किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के शाखा मंत्री अजय कुमार ने कहा, अजय कुमार, शाखा मंत्री, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश शाखा क्षेत्रीय कार्यशाला का वार्षिक चुनाव हुआ है। इसमें चुनाव अधिकारी के देखरेख में, श्री अरविंद कुमार जी के देखरेख में यह चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें निर्विरोध शाखा अध्यक्ष शाखा कैलाश प्रसाद जी निर्विरोध हुए हैं। शाखा मंत्री अजय कुमार निर्विरोध चुने गए हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री रामनारायण विश्वकर्मा जी, वो भी निर्विरोध चुने गए हैं। कोषा अध्यक्ष के लिए शशिकांत जी निर्विरोध चुने गए हैं। संगठन का ये हमारे हर वर्ष वार्षिक चुनाव होता है, ये कर्मचारियों का चुनने का अधिकार होता है। जहां पदाधिकारी अच्छे कार्य नहीं करते हैं वहां चुनाव होती है, उनके खिलाफ चुनाव होने मतदान होता है। मतदान होने के बाद प्रत्याशी घोषित हो जाते जिनको कर्मचारी चुनते हैं। उसी के क्रम में क्षेत्रीय कार्यशाला का यह वार्षिक चुनाव आज सम्पन्न हुआ है। हम लोग कर्मचारियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए हर हम लोग प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करके हल कराते हैं। उसी तरह कर्मचारियों ने हमें यह स्नेह प्यार हम लोगों को दिया है, आगे भी देते रहेंगे। हम लोग कर्मचारियों की समस्याओं को हमेशा निरंतर प्रयास करते रहेंगे, करेंगे, निदान कराएंगे, करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय रोडवेज परिषद, जय कर्मचारी।